नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। पहली खबर शामली से है, जहां पर अशफाक सैफी पहुंचे। अशफाक सैफी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर अशफाक सैफी ने एक सभा को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए वर्तमान सरकार की योजनाओं का गुणगान किया और जिन्ना परस्त लोगों पर भी यहां उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता पहले से ही कायम है, जिसे कुछ राजनीतिक लोग बिगाड़ने की तमाम तरीके से कोशिश कर रहे हैं। वहीं ओवैसी जैसे लोग हिंदू और मुस्लिम के बीच खाई पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार की योजनाएं बिना किसी भेदभाव के अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों तक पहुंचे, उनको इसको लाभ मिले, उन योजनाओं के बारे में उनको जानकारी हो। ये कार्यक्रम आज हमारे पीस कमेटी ऑफ इंडिया के सदर, राष्ट्रीय सदर जनाब आबिद साहब के नेतृत्व में यहाँ उनके कार्यक्रम यहाँ रखा गया है और इसी कड़ी में हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री सरदार अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी है, आज उनको खराज अकीदत पेश किए तो श्रद्धांजलि। खबर शामली से है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी कार्यालय के प्रदेश महासचिव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि बीजेपी झूठी पार्टी है, ये हिंदू मुस्लिम करती है और वहीं केवल राष्ट्रवादी पार्टी आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी हर काम को अच्छे तरीके से करती है और ज़मीनी स्तर पर भी काफ़ी काम करती है। महासचिव ने इस दौरान 27 तारीख को निकलने वाली तिरंगा संकल्प यात्रा के बारे में भी जानकारी दी। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां बाइक रैली निकाली। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर शिकोहाबाद विधानसभा क्षेत्र में रविवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक बाइक रैली निकाली, जिसका नेतृत्व अंकित तिवारी ने किया। इस रैली में बीजेपी के शिकोहाबाद विधानसभा के विधायक मुकेश वर्मा भी कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए। इस रैली का उद्देश्य बीजेपी में हुए विकास को घर घर फैलाना और पहुँचाना था, साथ ही आगामी चुनाव के मद्देनज़र बीजेपी की जीत के लिए जनता की उम्मीदों पर भी खरा उतरना है। इस रैली में भारी कर्ताओं की भारी भरकम भीड़ यहां पर देखने को मिली। आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर प्रत्येक विधानसभा में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा अटल संकल्प यात्रा, उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा एक बाइक रैली के माध्यम से मना रहा है, जिसमें चार प्रमुख कार्यक्रम हम लोग करने हैं। पहले पुष्पांजलि अटल जी के चित्र पर प्रारंभ करनी है, उसके बाद महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए और विधानसभा में समापन करना है उस कार्यक्रम का। वहाँ पर एक विस्तार से चर्चा होनी है सभी कार्यकर्ताओं के साथ। इस प्रकार की संरचना ऊपर से दी गई है। हमारे साथ यहाँ हमारे महानगर की प्रवासी गुंजन पंडिता जी, क्षेत्रीय मंत्री भी यहाँ उपस्थित हैं और समस्त युवा मोर्चा। खबर झांसी से है, जहां पर SDM ऑफिस के बाहर यहां धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि यहां पर सैकड़ों लोगों को मुआवजा नहीं मिलने को लेके मऊरानीपुर के पीड़ित ग्रामवासियों ने उपजिलाधिकारी के कार्यालय के सामने बैठकर धरना दिया। इस दौरान लोगों ने बताया कि लखेरी बांध निर्माण का कार्य साल 2013 में शुरू हुआ था, जिसमें ग्राम बुआई डूबे क्षेत्र में आने वाले 400 परिवारों को मुआवजा दिया गया, लेकिन लगभग 100 परिवारों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, जिसे लेकर कई बार अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भी दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 5 दिन पहले यहां SDM को भी प्रार्थना पत्र देकर समस्या का निस्तारण नहीं होने पर धरना देने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर पीड़ितों ने SDM कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि जब तक उनकी समस्या हल नहीं होगी, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। के निवासी हैं हम, 100 लोग के करीब करीब अपनी प्रार्थना सुनाने के लिए दरबार में आए हैं। हम मीडिया के आभारी हैं, जो हम लोगों की आपने स्तुति है,
और हमारी समस्याओं का निराकरण शायद है मीडिया के द्वारा हो जाएगा। हम आपके आभारी हैं। हम 2003 से हमारा लखेरी बांध में गांडू में है। 5 में और 6 और 7 में हम लोगों की ज़मीन जो जुटता थी उनकी 1.5 लाख रुपए हेक्टर के भाव में रहती। खबर फरुखाबाद से है। यहाँ राशन घोटाला सामने आया है। यहाँ राशन को लेकर एक बेहद ही बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राशन में घटतौली का आरोप लगाकर कोटेदारों ने FCI गोदाम पर हंगामा किया, जिसमें कोटेदारों ने गेहूं और चावल की बोरी में से 4-5 किलो कम राशन मिलने का यहाँ आरोप लगाया है, जिसमें कोटेदारों ने सप्लाई इंस्पेक्टर स्वाति वर्मा को भी यहाँ पर फ़ोन न उठाने का उन पर आरोप लगाया है। वहीं कोटेदारों ने ये साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि जब तक घटतौली की समस्या का निवारण नहीं होगा तब तक वो राशन नहीं उठाएंगे। खबर बागपत से है, जहां पर यमुना में अवैध खनन का पूरा मामला सामने आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित और जलपुरुष के नाम से मशहूर राजेंद्र सिंह अपने जिले घर में विरासत स्वराज यात्रा ले आए, जहां उन्होंने बागपत जिले में यमुना की हत्या हो रही है ऐसा बताया है। यमुना की हो रही हत्या को रोकना पड़ेगा और इसे रोकने के लिए हमारे राज्य और समाज दोनों की जिम्मेदारी हमें समझनी होगी। राज्य का कार्य है कि यमुना की किसी भी तरह के खनन को यहां पर रोके, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं। साइंस बहुत सिंपल है, लेकिन उस सिंपल साइंस को हमें यूज करने की जरूरत है। विरासत स्वराज यात्रा आपकी शुरू हुई है, जहां से हुई है और आज क्या इसी मद्देनजर आए हैं या कुछ नहीं? उसी मद्देनजर आए हैं, क्योंकि देखिए ये जो विरासत स्वराज यात्रा है ये हमने 22 सितंबर को मदुरई तमिलनाडु से शुरू की थी, क्योंकि वहाँ से 22 सितंबर को 100 साल पहले महात्मा गांधी ने अपने वस्त्र त्याग कर जो विदेशी वस्त्र थे उनको स्वदेशी। खबर झांसी से सामने आई। यहाँ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहाँ 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस की संयुक्त टीम ने कच्चे रास्ते पर घेराबंदी कर 3 बदमाशों को यहाँ दबोच लिया। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने TV, मोबाइल फोन सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए। इन बरामद किए गए सामानों की कीमत लगभग 10 लाख रुपये बताई गई। वहीं टीम के काम से खुश पुलिस कप्तान शिवहरि मीना ने पीठ थपथपाते हुए 25,000 रुपए का इनाम पुलिस को देने की घोषणा की है। सर, किस चीज का खुलासा किया है? प्रेमनगर पुलिस के द्वारा 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से भारी मात्रा में LED, कीपैड मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम बरामद हुए हैं। इनके द्वारा बताया गया, जब पूछताछ के दौरान ये तथ्य निकल के आया कि इनमें से एक इस्लाम नाम का पुराना क्रिमिनल है, जिसके लगभग 11 मुकदमे हैं, जिसमें हत्या, लूट, डकैती के मुकदमे शामिल हैं। उसके 2 साथियों के साथ वो राह चलते जो व्हीकल्स निकलते हैं उनमें चोरी करता है, साथ ही साथ जो रेलवे की मालगाड़ियाँ हैं उनके अंदर भी चोरी करता है। तो भारी मात्रा में सामान इलेक्ट्रॉनिक बरामद हुआ है। प्रेमनगर पुलिस को 25,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा दिया गया। ये सामान कितने कीमत का? लगभग 10 लाख रुपए कीमत का ये सामान इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जिसमें मोबाइल्स, LED और अन्य सामान है। खबर फरुखाबाद से है। यहाँ पर दबंगों की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर मामला अनंतपुर नवादा का है, जहाँ दबंगों ने मामूली विवाद के चलते एक दलित परिवार के साथ मारपीट की। इस दौरान दबंगों ने महिलाओं और बच्चों तक को यहाँ नहीं छोड़ा। उनके साथ भी दबंगों ने बदसलूकी की और जमकर मारपीट की, जिसमें दलित परिवार के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। दबंगों के खिलाफ पीड़ित दलित परिवार ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन 2 दिन बीतने के बाद भी अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। आपको बता दें
कि उत्तर प्रदेश में रात्रि को 11 से 5 बजे तक यहां नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू के नियमों को पालन करने के लिए सीओ और पुलिस की टीम बाजारों में गश्त कर माइक पर सूचना देती हुई नजर आ रही है। कर्फ्यू का टाइम शुरू हो गया है, जो भी दुकानें खुली हैं उन्हें बंद कराया जा रहा है। सीओ का कहना है कि तमाम तरीके से सख्ती से इस नियम का पालन किया जाए। प्रयास कर रही है, लगातार घूम भी रही है सारे बाजार के, लाउड स्पीकर से ऐलान भी कर रही है, सभी लोग नाइट कर्फ्यू का पालन करें और कोरोना से अपने आप को बचाए रखें। सर, दुकानदारों को किस तरह से निर्देश दिए गए हैं? आज चूंकि पहला दिन है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा उनको समझा भी रहे हैं कि थोड़ा सा आप लोग आगे से बात को माने, वरना आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर असरुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित किया है। आपको बता दें कि AIMI अध्यक्ष असरुद्दीन ओवैसी फिरोजाबाद में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां ओवैसी को सुनने हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। इस सभा में ओवैसी ने योगी सरकार और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, जहाँ ओवैसी के भाषण सुनकर भीड़ काफी खुश भी दिखाई दी। ओवैसी ने कहा कि यूपी में अगर किसी के पास नेता नहीं है तो वो मुसलमान है। मुसलमान की सियासत को एक पहचान मिले, यही यूपी चुनाव के आने का मकसद है। जिसके पास उसका नेता होगा उसी की आवाज़ सुनी जाएगी। योगी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर बच्चों की मौत के बारे में बाबा से पूछेंगे तो बोलेंगे कि जिले का नाम फिरोजाबाद है, इसीलिए बच्चे मर गए। नहीं बोलो इसकी बात, बोलो आप फैसला करो। मैं वोट हासिल करने के लिए नहीं कह रहा हूं, 80 साल का बूढ़ा अगर हिंदू भी होता तो वैसी लड़ता, उसके लिए लड़ता रहेगा। मगर आप बात ही नहीं करते, आप बोलते ही नहीं। अब तो ऐसा बना दिया जा रहा है कि हम अपने जुल्म का, अपने कमजोरों का भी जिक्र ना करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर मैं आप खबर बहराइच से है, जहां पर अपहरण का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बहराइच थाना प्रयागराज क्षेत्र में 10 अक्टूबर को 13 साल के अंश सिंह का अपहरण किया गया था। सिंह के लापता होने के बाद से थाना प्रयागराज में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध यहां पर 363 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। अपहरण के दूसरे दिन यानी कि 11 अक्टूबर को अंश की लाश तालाब से बरामद हुई। 12 अक्टूबर को अंश का 3 चिकित्सकों ने मेडिकल बोर्ड की बैठक कर पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के दौरान इस बात का खुलासा किया गया कि हत्या गला दबोचकर की गई है। परिजनों का कहना है कि हत्या अभियुक्तों को चिन्हित करने के बाद थाना अध्यक्ष प्रयागपुर ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है, जिसके बाद परिजनों का कहना है कि अभियुक्तों को संरक्षण देने वाले के विरुद्ध यहां कार्रवाई की जाए, नहीं तो वो धरने पर बैठेंगे। धरने पर यह है कि 10 अक्टूबर को मेरे बेटे की हत्या अपहरण करके कर दी गई। किसने किया था? अब मुलजिम ने किया और मुलजिम थाना एसओ महोदय एसओजी टीम के द्वारा जांच में उनको प्रकाश में लाया गया, बताया गया कि मुलजिम फला फला हैं। उसके बाद कोई गिरफ्तारी आज तक नहीं की गई, इसलिए हम सब आमरण अनशन पर बैठे। कौन थाना का मामला है? प्रयागपुर। 10 अक्टूबर को हुआ है, बेटे का नाम है अंश सिंह, 13 वर्ष, प्रयागपुर। धरने पर यह है कि 10 अक्टूबर को मेरे बेटे की हत्या अपहरण करके कर दी गई। किसने किया था? अब मुलजिम ने किया और मुलजिम थाना एसओ महोदय एसओजी टीम के द्वारा जांच में उनको प्रकाश में लाया गया, बताया गया कि मुलजिम फला फला हैं। उसके बाद कोई गिरफ्तारी आज तक नहीं की गई, इसलिए हम सब आमरण अनशन पर बैठे। कौन थाना का मामला है? प्रयागपुर। 10 अक्टूबर को हुआ है, बेटे का नाम है अंश सिंह। खबर लखनऊ से है, जहां पर तेंदुए का आतंक देखने को मिला। आपको बता दें कि यहां पर कल्याणपुर से पूरा मामला सामने आया है। कल्याणपुर के कन्हैया नगर में खाली प्लॉट में तेंदुए के घुसने से हड़कंप मच गया, जहां 2 लोगों के घायल होने की सूचना भी पाई गई। तेंदुए की दहशत से लोगों के घरों के दरवाजे यहां बंद देखने को मिले, जिसकी सूचना पाकर यहां मौके पर फॉरेंस विभाग और पुलिस की टीम पहुंची। उन्होंने तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और तेंदुए को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया।
खबर बदायूं से है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू मंच के एक बड़े प्रोग्राम का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि यहां पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की ओर से जनसभा आयोजित की गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष टोगड़िया ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में दिन प्रतिदिन हिंदू की संख्या कम होती जा रही है, इस और अन्य समुदाय की जनसंख्या दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है। इस चिंता को देखते हुए टोगड़िया ने कहा कि जनसंख्या निरंतर पर कानून लाना चाहिए। मुसलमान नहीं थे तब अमेरिका, यूरोप, अफगानिस्तान सर्वत्र हिंदू था। बोलो आज दुनिया में हिंदू बचा है? बोलो बचा है। तो क्या हुआ, उनकी कत्ल हुई, कन्वर्ट हुए, उनके घर लूटे गए। यह तो मैं दुनिया की बात करता हूं। दुनिया का सबसे अमीर समृद्ध देश भारत था, और भारत में हिंदू के अलावा कोई नहीं था, तो हमारी समृद्धि कहां गई? मुसलमान नहीं थे तब अमेरिका, यूरोप, अफगानिस्तान अक्सर सर्वत्र हिंदू था। बोलो आज दुनिया में हिंदू बचा है? बोलो बचा है। तो क्या हुआ, उनकी कत्ल हुई, कन्वर्ट हुए, उनके घर लूटे गए। यह तो मैं दुनिया की बात करता हूं। दुनिया का सबसे अमीर समृद्ध देश भारत था, और भारत में हिंदू के अलावा कोई नहीं था, तो हमारी समृद्धि कहां? खबर महोबा से सामने आई, जहां पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तरफ से वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ी पहल की गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महोबा ज़िले में वैक्सीनेशन के काम को गति देने के लिए जिलाधिकारी मनोज कुमार ने कोई कसर छोड़ते हुए यहां नज़र नहीं आ रही। यही वजह है कि तीसरी लहर के खतरे से निपटने के लिए जिलाधिकारी ने ग्रामीण स्तर पर वैक्सीनेशन कार्य को गति देने पर जोर दिया है। डीएम को जानकारी मिली कि सदर तहसील छिखारा गांव में ग्रामीण वैक्सीनेशन कराने को लेकर यहां रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसके बाद रविवार को जिलाधिकारी मनोज कुमार खुद अचानक गांव पहुंच गए। यहां उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया। इसके बाद ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाई। ऐसे जिलाधिकारी कभी ना आए हैं और शायद लगता है आएंगे भी नहीं। उन्होंने एक एक आम जनमानस को, बुजुर्गों को घर घर जा कर के ये वैक्सीन लगवाने को कहा, और दूसरी बात जिनकी पेंशन नहीं है, बुजुर्गों की, विधवाओं की, विकलांगों की, उनको सबको उन्होंने कल ही आदेश किया कि सबको पेंशन मिलना चाहिए। और जो यहाँ फूटे हुए कुएँ पड़े हैं, इमारतें पड़ी हैं, उनको तत्काल उन्होंने अपने प्रभाव से आदेश किया कि ये बनना चाहिए। हमारे गांव के लोगों को आज ये नहीं लगा कि हमारे छिकहरा में जिलाधिकारी आए, हमें ऐसा नहीं लगा। हम लोगों को सबको ऐसा लगा कि हमारे कोई घर के आदमी आ गए, सबसे मिलने, एक एक आदमी से। और मैं तो यही कामना करूंगा ईश्वर से कि वो जब भी यहाँ से जाएं तो आयुक्त महोदय बन करके जाएं। मैं उनको इन्हीं शब्दों से सम्मानित कर सकता हूँ। हमारे पास कुछ नहीं है, और ये जरूर वादा करता हूँ ये पदोन्नति करेंगे, और ईश्वर से हमारा निवेदन कि पीढ़ी दर पीढ़ी इनसे बहुत बड़े अधिकारी बनते रहेंगे, क्योंकि ये जनता के मुखिया नहीं, ये जनता के सेवक बन के आए हैं। सबको ऐसा लग रहा कि ये तो हमारे घर के हैं। तो ऐसे अधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपनी उम्र के हिसाब से मेरी उम्र 75 साल है, और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि ये आगे होता तो मैं गांव की ओर रवाना होता हूँ, जिससे गांव की समस्याओं को जान सकूँ। यहाँ का जो वैक्सीनेशन था उसमें कुछ चीज़ें मुझे परसों शाम पता चली थी, उसके आधार पर मैंने सोचा कि गांव वालों के सामने पहुँचा जाए, उनसे मिला जाए क्या समस्याएँ हैं। लेकिन मेरे पहुँचने से पहले ही जो है वो यहाँ के जो भी लीडर से और जो सम्राट साहब हैं वो इस समस्या का समाधान अपने आप कर चुके थे। तो सबसे पहले मैं तो गांव वालों को धन्यवाद देता हूं कि वो इस मिशन में पूरी तरह से आगे हैं। जो यहां पर समस्याएं देखी, कुछ पेंशन के समस्याएं हैं, विधवा पेंशन की, कुछ सम्मान निधि की समस्याएं बताई गई हैं, कुछ राशन कार्ड की हैं,
इन सभी के संबंध में कल से लेके और परसों तक कैंप लगाकर। खबर औरैया से सामने आई, जहां बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि औरैया जिले के नंगला में जैसे यहां पर पहुंचे, जहां पर उन्नाव के बीजेपी सांसद ने जनसभा को संबोधित करने के दौरान यहां एक विवादित बयान दिया। सांसद साक्षी महाराज ने यहां ओवैसी के लिए पहले तो अपशब्दों का प्रयोग किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो हैदराबादी दाढ़ी वाला कहता था राम मंदिर के निर्माण पर खून की नदियां बह जाएंगी। सांसद ने तल्ख लहजे में कहा कि मंदिर निर्माण हो रहा है लेकिन एक खून का कतरा भी नहीं गिरा। बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि मोदी अवतारी पुरुष हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तिरंगा आसमान में शान से लहरा रहा है। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, हजारों साल में एक बार मोदी जैसा व्यक्ति जन्म लेता है। हैदराबादी नाम सुना है, दाढ़ी वाला ओवैसी, तो कहते हो अयोध्या में राम के मंदिर पर एक ईंट का टुकड़ा नहीं रखा जा सकता, खून खराबा हो जाएगा। क्या हुआ वैसी, एक कचरा कहीं खून का नहीं गिरा और विश्व का सबसे भव्य दिव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, बड़े बड़े पत्थर तलाश के बन रहा है। आपका राज्य आपकी खबरों में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। शुक्रिया।